नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फूडी अमित कनपुरिया। और भैया आज हम लोग घूम रहे हैं इंदिरा नगर के इलाके में है भाई, ठीक है। जो आप देख रहे हैं कल्याणपुर क्रॉसिंग से आप इंदिरा नगर एरिया की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक बढ़िया सा कैफे हमको मिला है। यहाँ पे कौन सा? चायबाजी रेस्ट्रो, ठीक है। यहाँ पे आपको चाय मिलती है भैया, हॉट चाय भी मिलती है, कोल्ड चाय भी मिलती है, ठीक है। साथ में यहाँ पे फूडिंग भी होती है, गेमिंग भी होती है। तो आइए दोस्तों चलते मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ लगवाते हैं और इनका टेस्ट लेके बताते हैं इनका स्वाद कैसा है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस समय चायबाजी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं भाई, ठीक है। ये कानपुर का ऐसा फर्स्ट कैफे है जहाँ पे आपको कोल्ड टी मिलती है। हाँ, आपने कोल्ड कॉफी सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको हॉट टी भी मिलती है और हॉट के साथ कोल्ड टी भी मिलती है, दोनों टी मिलती हैं, ठीक है। इस समय सर्दी का मौसम है, बढ़िया सा मेन्यू है इनका और करीब यहाँ पे 50 फ्लेवर्स की चाय आपको मिलती है। और ये सबको लाने वाले एक भाई हमको यहाँ पे मिले हैं। भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवी सिंह। लवी सिंह नाम है आपका, ठीक है भाई। लवी भाई ये बताइए, जो कैफे है इसके बारे में आइडिया बताइए, आपने कैसे सोचा कि एक्चुअल में क्या था, मैं थोड़ा ट्रैवल करता रहता था। मेरा क्या था, पहले मैं भाई अपना घूमने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में गए, वहाँ पे देखा काफ़ी ज़्यादा बूम रहता है जगह पे चाय का, और आजकल ट्रेंडिंग भी चल रहा है। जितना यूथ है वो सब क्या है ना, थोड़ा सा इस पर सब चाय पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो हमने भी सोचा फ्लेवर चल रहा है मार्केट में, तो हम लोग फ्लेवर की थीम पकड़ के उसको इतना ज़्यादा लाया जाए कि सब जगह 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, हम उसके एक हाफ सेंचुरी बनाए। मे भी हो सकता है फ्यूचर में हम 100 ही पूरी सेंचुरी मार देंगे इसके फ्लेवर्स की, ऐसा भी तो आगे प्लान है अपना। तो आपने कुछ चाय के फ्लेवर्स के नाम भी लाइएगा, कौन कौन से फ्लेवर्स? चाय के फ्लेवर्स क्या है अभी अपने पास, जैसे एलमंड है, एप्पल है, बटर स्कॉच है, कैरमल है, कैडमम है, क्लॉव्स है, फ्रूटी कॉकटेल है, जिंजर है, केसर इलायची है, केसरिया पान है, लीची है, मैंगो, मसाला टी, ब्लैक टी, पिस्ता टी, सिनेमन टी, रजवाड़ा, रोज, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, तुलसी, प्लेन और भी कई सारे फ्लेवर्स है जो अभी हमने इसमें मेंशन किए हैं। ये जो चाय है इनकी प्राइसिंग क्या होती है, मतलब जैसे रजवाड़ा हमने ले लिया तो इसका क्या मतलब बहुत महंगी है? ना ना, सबका बहुत मिनिमम एवरेज प्राइस रखा हुआ है जो कि कोई भी इसको आए एंजॉय करे, जस्ट 25 या 30 मैक्सिमम इतना हमने प्राइस रखा। जो हमारा मीडियम कप होता है वो हम 25 में देते, वो भी दिखा देता हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या बात, बढ़िया कप है। और एक जो लास्ट कप जाता है वो हमारा ये कप जाता है। कब जाता है? ठीक है, मतलब काफी ट्रेंडी था। कब लोग कुल्हड़ वगैरह में नहीं रहते, क्या बात, सही। कुल्हड़ में भी अभी स्टार्ट करना। और ये नेक्स्ट पेज पलटते ही हमें कोल्ड टी दिख रहा है यहाँ पे, इसके बारे में बताएगा। कोल्ड टी क्या है? जैसे सब जगह पे होता है, हमने सुना है कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी, ये क्या है? कोल्ड टी है जो की इसमें हम आइस का यूज नहीं करते, प्योर बस क्या होता है, कोल्ड मिल्क का यूज होता है, ठीक है। ये उसके बिहार पे हम लोग बनाते हैं कोल्ड। अभी इसमें भी मैक्सिमम कई सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं, 30-40 फ्लेवर्स, बट क्या है विंटर का टाइम है, हमने सिर्फ नॉर्मल सिर्फ चूजी रखे हुए हैं, बाकी समर में इसमें 50 फ्लेवर्स मिलने हैं। ठीक है, और अपने पास कॉफी की भी वैरायटी? कॉफी भी हमारे पास फ्लेवर्स में ही है। अभी फिलहाल हमारे पास 8 या 9 फ्लेवर्ड कॉफी है, बट इसके भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और अपने पास स्नैक्स में क्या क्या मिलता है? स्नैक्स में पूरा चाइनीज हम लोग के पास रहता है, इटालियन हमारे पास है, और अभी साथ में लोग प्लेटर्स वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा अभी हम लोग चिकन में भी स्टार्ट करने वाले, फ्राइड चिकन वगैरह, ठीक है। तो जैसे बाहर हमने पढ़ा, जैसे फर्स्ट हमने चाय पढ़ी, जी चाय आपने बता दिए, फ्लेवर बता दिए, फूड पढ़ा, फूड की सारी व्यवस्था बता दी आपने। जैसे दोस्तों देख रहे हैं फूड की कई सारी वैरायटी, जैसे शेक्स है, स्नैक्स है, ठीक है। ये इनका पूरा मेन्यू है। मैगी में भी हम आपको बताएं, जैसे मैगी में भी हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे हमारे पास मैगी भी कई तरीके की बनाते हैं हम लोग। प्लेन मैगी हो गई, सूपी मैगी, वेजिटेबल्स मैगी हर जगह मिलती है, फ्राइड मैगी मिलती है, चीज़ी मैगी मिलती है, ठीक है, पनीर मैगी मिलती है, ठीक है। बट और हम लोग एक अपने पास लेके आए हैं चीज़ी खुरशन मैगी, जो शायद ही कहीं नहीं मिलती होगी, तो ये तो ट्राई करना बनता है भाई। चीज़ी खुरशन मैगी है, चलो इसकी मेकिंग दिखाई जा सकती है? मेकिंग थोड़ा सा वो हमारा सीक्रेट रहता है, तो टेस्टिंग दिखाई जा सकती है, टेस्टिंग दिखा सकते हैं। चलिए आज वही टेस्ट करते हैं, बाकी देखते हैं। देखिए ये पिज्जा भी है अपने पास, भैया के पास नूडल्स है, मोमोज है, ठीक है। तो खाने की बात हो गई, चाय की बात हो गई, थर्ड अब हमारा जो गेमिंग का हमारा उसके बारे में बताएंगे। हम लोग अभी वीआर हेडसेट हम लोग खिलाते हैं। अच्छा ना दोस्तों देख रहे हैं, ये इनका पार्ट है। अच्छा, जब वो जो वीआर खेल रहे हैं, वीआर ये इस तरह से आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बैनर भी लगे हुए हैं, बढ़िया। कौन कौन से गेम्स होते हैं अपने पास वीआर में? अभी हम लोग के पास के मेन जो हम लोग कराते हैं वो रोलर कोस्टर्स के गेम है, जिसमें शूटिंग का है, क्लासिक मोड पे है, जो एक जस्ट मूवीज होती है,
नेटफ्लिक्स मूवीज वगैरह भी दिखाते हैं, यूट्यूब पे भी जो मूवीज वगैरह वो भी हम दिखाते हैं, वो भी बहुत मिनिमम प्राइसेस में दिखाते हैं, उसका कोई हाई प्राइसेस नहीं रहता अपने पास में, बहुत लो मतलब प्राइसिंग क्या होता है वीआर के, प्राइसिंग वीआर हम लोग स्टार्टिंग हमारा के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वीआर कुछ होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं रहता, वो एक अलग सा रहता है, जैसे बस स्टार्टिंग उसका ये 50-70 रुपीज से स्टार्टिंग है, कोई गेम्स जिस हिसाब से खेलता है, कोई मूवी आपको एंजॉय करनी है, नेटफ्लिक्स का खुद का कुछ है अपने पास, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने उसका चार्जेस बना रखा है। तो दोस्तों देख रहे काफी ह्यूज चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे चीजें बढ़ने भी वाली है, एक नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा यहाँ का देखने को बहुत जल्दी, ठीक है। आज हम यहाँ पे कुछ चीज ट्राई करने वाले हैं, मेकिंग तो नहीं दिखाएंगे लेकिन टेस्टिंग जरूर दिखाएंगे, तो आइए अपने टेबल पे चलते हैं, इंतजार करते हैं भैया हमारे लिए क्या क्या लगवा रहे हैं, उसका इंतजार करते हैं, स्वाद देते हैं और टेस्ट बताते हैं इनका कैसा है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी अभी चाय बाजी रेस्टोरेंट में अभी भी बनवाया है, कौन सा बनवाया है, ये इनका बबल गम स्ट्रॉबेरी वाली कॉफ़ी बनवाई है, हॉट कॉफ़ी है भाई, ठीक है, देख रहे हो एकदम यूनिक सा कप है इसमें दी है कॉफ़ी, और ये इनकी केसरिया पान चाय है, ठीक है भाई, यहाँ पे आपको फ्लेवर कई फ्लेवर की चाय मिलती है और कॉफ़ी भी कई फ्लेवर की मिलती है, ठीक है भाई, तो हमने कॉफ़ी की एक वैरायटी और चाय की एक वैरायटी ली है, और साथ में यहाँ पे इनकी यूनिक सी डिश मैगी है, ठीक है, जिसका नाम है खुरचन वाली चीज़ी मैगी, ठीक है भाई, ये हमने लिया है, तो भाई इसको खाते हैं, इसका स्वाद आपको बताते हैं कैसा है। सबसे पहले चाय पिया जाए या कॉफ़ी, चाय लेते हैं क्योंकि तो चाय के हम शौकीन हैं। भैया एकदम फ्लेवरफुल चाय है, ठीक है, इसको पीने में ऐसा लग रहा है कि आपने पान का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, गुलकंद टाइप का, ठीक है, उसका फ्लेवर है बढ़िया सा, ठीक है, और चाय के साथ कॉफ़ी मिक्स तो नहीं करेंगे, फिर भी ट्राई करना तो बनता है भाई। भैया बिग बबुल बूमर खाए वही फ्लेवर दिख रहा है, बढ़िया सा मज़ेदार फ्लेवर है, ठीक है, च्युइंगम टाइप का स्ट्रॉबेरी वाला, ठीक है, और साथ में ये देख रहे हो ये है इनकी मैगी, कौन सी खुरचन वाली मैगी, खुरचन वाली इसलिए कह रहा है इसमें जो मैगी पड़ी है वो क्रिस्पी सी मैगी है, ठीक है। भाई मैगी तो एक नंबर है, मजा आ गया इसको खाने में, क्योंकि इसमें से ऊपर से चिली फ्लेक्स पड़ा है, ठीक है, ऑरिगैनो पड़ा है और जो चीज़ पड़ा है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर निकल कर आया है, बढ़िया चटाकेदार स्पाइसी सी मैगी है जिसको खाने में भैया मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अगर आप कानपुर के रहने वाले या भैया कभी भविष्य में कानपुर आने वाले हैं, क्या करिए, जब भी आप कानपुर में इंदिरा नगर के एरिया में आइए ना भैया, तो यहाँ पे पड़ता है ये चाय बाजी कैफ़े या रेस्टोरेंट कह लीजिए, ये बढ़िया सा एम्बियंस है, तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर आइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, यहाँ पे आके एंजॉय करिए इनका फूड, इनकी चाय और इनका गेमिंग सेक्शन, और भैया वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और यूँ ही हमारे साथ बने।